कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे एस के इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी ने ये थंबनेल देख ही लिया होगा। ये जो हमारा है डिजिटल वाला मॉड्यूल है, जो कि इन्वर्टर पीसीबी को डायरेक्ट स्टार्ट करता है, जो कि कम्युनिकेशन का काम करता है। ये देख सकते हैं इंटरफेस इसका, यहाँ पर हमारी डिस्प्ले है और यहाँ पर हमने ये बटन लगा रखे हैं, ठीक है, ओपनली। और यहाँ का जो इंटरफेस है पीछे का, ये हमारा पावर ऑन ऑफ का, ये चार्जिंग के लिए है, ये चार्जिंग इंडिकेटर है, ये पावर ऑन के लिए इंडिकेटर लगा रखा हमने। तो दोस्तों, ये कैसे बनाया जाता है और कैसे बनता है, इसके अंदर हमने क्या क्या कंपोनेंट यूज किए गए हैं और उनका कैसे कैसे वायरिंग कर रखी है। और दोस्तों, जो ये आप नीचे देख रहे हैं, ये नीचे हमने जैक लगा रखे हैं, ये मेल फीमेल कनेक्टर होते हैं, जैसे कि हम पीसीबी में अलग अलग देखते हैं वहाँ पर हमें लगाना पड़ता है, तो ये हम वहाँ पर कनेक्टर लगा सकते हैं। और दोस्तों, हमने इस साइड में ये चिमटी वाली जरूर लगाई है, क्योंकि कईयों में क्या आता है, जैक दिया होता है बड़े वाला, उसमें ये कनेक्टर नहीं लग पाते, तो हमने ये भी ऑप्शन इसके अंदर छोड़ दिया है। तो अगर कोई भाई से परचेज करना चाहता है तो वो परचेज भी कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, ग्रुप का व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ उसे इसे परचेज करने के लिए वहाँ पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका एक छोटे छोटे फीचर बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे चार बटन लगे हुए हैं, ये चार बटन जो हैं कम्युनिकेशन को सेटिंग करने के लिए हैं और फ्रीक्वेंसी को, और ये चार्जिंग पॉइंट है, ये पावर ऑन ऑफ के लिए, ये चार्जिंग इंडिकेटर है, ये ऑन ऑफ का इंडिकेटर है। तो चलिए आ जाइए, इसके बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा वो कैबिनेट, देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने पूरा सिस्टम फिट कर रखा है। मैंने इसे खोल कर रखा है, अगर मैं खोलता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो दोस्तों, ऐसी अगर आपको कैबिनेट चाहिए, हमारे पास ऐसी कैबिनेट छोटी मिल जाएंगी, ठीक है, हमारे पास अवेलेबल होती है, क्योंकि हम जो भी मॉड्यूल बनाते हैं इन्हीं कैबिनेट के अंदर बनाते हैं। तो ये भी कैबिनेट आप हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको चिमटी चाहिए, ये भी मिल जाएगी, ये ऐसे जैक चाहिए, जैक मिल जाएंगे, बटन चाहिए, बटन भी मिल जाएंगे, बटन आपके नॉर्मल मार्केट में मिल जाते हैं, ऐसा सॉकेट चाहिए वो भी मिल जाएगा, और ये वाला बटन चाहिए पावर ऑन ऑफ के लिए, ये भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसे हम ऑफ कर लेते हैं, तो चलिए इसे एक बार मैं ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ से ऑन करता हूँ तो मैंने दोस्तों एलईडी थोड़ा बड़ा लगा दिया, तो इस पर मैं कुछ कलर कर दूंगा, ठीक है। तो ये रात में भी हमें काम आने वाला है एलईडी, इसलिए मैंने बड़ा लगाया थोड़ा। देखिए, हमारा मॉड्यूल जो है वो ऑन हो चुका है, ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो सिग्नल है, हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ये कम हो रहे हैं, और यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है 50 या उससे ज़्यादा कर सकते हैं, जो हमारे कंप्रेसर के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। तो ये इसका हो गया, ये मैंने इसे ऑफ किया। तो चलिए इसकी कुछ वायरिंग के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा वो मॉड्यूल डिजिटल वाला, इसमें नीचे चार बटन लगे रहते हैं, उन बटनों से हमने क्या किया, डायरेक्टली चार वायर जोड़ी और यहाँ पर नीचे उतारी, इन बटनों को यहाँ से सुराख किए, ठीक है। हमारे पास सुराख करने के लिए ये वाली ऐसी किट है पूरी, जो पीसीबी के अंदर सुराख करने के लिए आती है, तो हमने उसी का यूज किया है। तो सुराख करने के बाद हमने क्या किया दोस्तों, जो चारों बटन थे यहाँ पे हमने कनेक्शन दे दिए डायरेक्टली, जैसे दो दो पॉइंट होते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हमारा पावर ऑन ऑफ के लिए हमने यहाँ पे वायर लगाई है। और दोस्तों, इसके अंदर हमने लिथियम का सेल यूज किया है, क्योंकि जो 9 वोल्ट की हम पहले बैटरी लगाते थे, उसमें दोस्तों क्या होता था, वो डिस्चार्ज हो जाती थी। देखिए, ये वाली हम बैटरी पहले लगाते थे, ये डिस्चार्ज होती थी, इसकी लाइफ कम होती थी, इस फिर हमें चेंज करना पड़ता था, 20 से 25 रुपये की बैटरी आती है। तो ये हमने 30 से 40 रुपये का सेल आता है, ये हमने सेल ही नया लगा दिया, ताकि आप लोगों को दिक्कत ही ना आए बैटरी चेंज करने के लिए, बार बार खोलना पड़े। तो चलिए इसकी वायरिंग कनेक्शन समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका जो माइनस है, हमने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस पर लगा दिया, चार्जिंग पॉइंट जो हमारा है यहाँ पर, ये देखिए, इसका माइनस यहाँ पर लगाया, और जो हमारा सिग्नल का जो मॉड्यूल है उसका भी यहाँ पर माइनस हमने लगाया, और जो दोनों एलईडी हैं इन सभी का माइनस हमने यहाँ पे जोड़ दिया। और अभी हमारी बारी आती है मॉड्यूल को ऑन करने की। जो यहाँ पे मॉड्यूल का जो पॉजिटिव पॉइंट है, ये हमने यहाँ पे बटन पे लगाया, और जो इसका हमारा सेल का जो पॉजिटिव है, वो हमने इस बटन पे लगाया, ताकि हम बटन को ऐसे दबाएँ तो जो हमारा पॉजिटिव हो डायरेक्ट इसके थ्रू मॉड्यूल में हमारा चला जाए और मॉड्यूल हमारा ऑन हो जाए। और दोस्तों, जो पॉजिटिव मॉड्यूल पे यहाँ पे लगाया था हमने, वही पॉजिटिव डायरेक्ट हमने इस एलईडी को दे दिया है, ताकि जब भी हम मॉड्यूल को ऑन करें एलईडी हमारी ऑन जाए, और ताकि हमें अंधेरे में काम करना पड़े। तो दोस्तों, आप यहाँ पे वाइट एलईडी भी लगा सकते हैं, कोई भी एलईडी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन करते ही हमारा मॉड्यूल भी ऑन होगा, साथ में हमारा एलईडी भी ऑन होगा। उसके बाद दोस्तों, हमने क्या किया, यहाँ पर चार्जिंग के लिए हमने एक डायोड यूज किया है, ताकि जो ये एलईडी है इसमें रिवर्स वोल्टेज ना आए, क्योंकि देखिए 3 वोल्टेज का सेल है, 4 वोल्ट का,
मतलब चार्ज होने के बाद 4 वोल्ट रहता है, वैसे 3.7 वोल्ट का सेल बोला जाता है, ये लिथियम आयरन सेल है। तो दोस्तों क्या होता है, अगर डायरेक्टली हम एलईडी को यहाँ पे लगा देंगे तो हमारी एलईडी रेगुलर ग्लो करती रहेगी रेड वाली। तो इसको हमने रेगुलर ग्लो ना करे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जहाँ से हमारा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव पे हमने नेगेटिव साइड डायोड की लगानी है, और जो पॉजिटिव आउट रहेगी यहाँ पे देखिए पॉजिटिव का निशान बना होता है, वाइट सा होता है, देख सकते हैं आप, थोड़ा मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला निशान बना हुआ है, देख सकते हैं। तो इस साइड को हमने क्या करना है, इसको हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जो हमारा बैटरी के चार्जिंग के लिए जाएगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो इसकी पॉजिटिव वोल्टेज है वो रिवर्स इस जैक में नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारा ये डायोड है उसको वोल्टेज को रोक देगा। तो हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव रहेगा इस एलईडी का चार्जिंग का, हमने 1K की रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे इसे लगा दिया है। अब यहाँ पे वोल्टेज वापस नहीं आएंगे तो एलईडी ग्लो नहीं होगी। तो जब दोस्तों हम इसे चार्जिंग लगाएंगे, तो मैं इसको आपको चार्जिंग करके दिखाता हूँ। जब इसे हम चार्जिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज आएंगे, ठीक है। तो ये चार्जिंग देखिए हम अपने मोबाइल से कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली हमारा मोबाइल का चार्जर होता है, हमने उससे ये लीड बना रखी है, तो उससे दिखाता हूँ मैं आपको चार्जिंग करके। तो देखिए ये हमने चार्जिंग लगाया और एलईडी हमारी ग्लो हो चुकी है, ठीक है। मैं इसे बंद करके देख निकाल देता हूँ, अभी देखिए बंद हो गया। तो मतलब अगर आप देखिए, अब देखिए अगर यहाँ से वोल्टेज जाएंगे तो सीधी सी बात है डायोड के थ्रू जाएंगे और बैटरी चार्ज होगी, और हमने यहाँ पे पॉजिटिव लगा रखा है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव ये लगा रखा है, तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली वोल्टेज जाएंगे तो एलईडी ग्लो करेगी, तो मतलब हमारा चार्जिंग हो रहा है। इसके लिए आप एक मॉड्यूल भी आता है अलग से, लिथियम आयरन चार्जिंग वाला, लिथियम चार्जिंग वाला एक मॉड्यूल आता है छोटा सा, वो भी आप ले सकते हैं, जिससे कि मोबाइल का माइक्रो टैप चार्जर लगता है। तो हमने ये अपनी सेफ्टी के लिए बनाया है, ताकि हम और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं वो चला सकते हैं इससे। और ये नॉर्मली जैक हमारे पास कहीं भी मिल सकता है, ठीक है, मोबाइल वाला भी मिल जाता है, बट हमने अपने तरीके से यूज किया क्योंकि हमारे पास और भी मॉड्यूल होते हैं। तो ये इसकी एक थोड़ी सी वायरिंग थी, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।